हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देख कर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरु मां ने जीवन की अंतिम बेला में आधी व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, मुझे जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी, अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरु मां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरु मां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि रम गई निज आत्म में आहार त्यागा पद त्यागा सिद्धियां त्यागी क्षण में अंतिम उपदेश आशीष दिया रम गई नमोकार धुन में निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। जय जिनेन्द्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 11वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रतिदिन की तरह आयोजन के 11वें दिन भी प्रातः काल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगल क्रियाएं की गई। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। इस मंगल अवसर पर पूज्य माता जी ने अपनी मंगल वाणी से भक्तों का कल्याण किया। 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की परम पूज्य गणनी आरिका विद्या श्री माता जी की। आज अपन देखेंगे कि जिन भावों से अपन को मोक्ष होता है और उन्हीं भावों से अपन को स्वर्ग मिलता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। यत्र शिवम् यत्र भावान् शिवम् दत्ते धौ क्रिया दूरवर्तिनी यो नत्याशुगर्भ्युति कोशार्धे किं ससीदति। कहते हैं कि हे भाई, यत्र भावः माने जहाँ आत्मा के स्वच्छ सम्य दर्शन सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र भाव जो हैं, वे शिवम दत्ते शिव को मोक्ष को देने वाले हैं। धौ कियत दूरवर्तिनी,
जो भाव हमें मोक्ष को देने वाले हैं, वे किम धौ क्रिया दूरवर्तिनी उन भावों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना कितना दूर है? कहते दूर नहीं है, सहज है। जो हमें मोक्ष दे सकते हैं वो क्या स्वर्ग नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, सहज में दे सकते हैं। तो फिर कहते उस कैसे दे सकते हैं, तो उसका उदाहरण देते हैं। यो नत्याश गभ्युति, जो अपने भार को दो कोस तक ले जा सकता है, उस आसु माने शीघ्रता से ले जा सकता है, वो क्या कोशार्धे किम ससीदति, क्या वो आधे कोस जाने में दुख महसूस करेगा? नहीं कर सकता है। कहते हे आचार्य भगवान यहाँ प्रश्न करते हैं कि जो भाव हमें मोक्ष दे सकते हैं, स्वर्ग दे सकते हैं, तो कहते एक ही भाव, एक ही प्रकार के भावों से मोक्ष होता है और एक ही प्रकार के भावों से स्वर्ग होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहते गुरु उपदेश अभ्यासात, कहते गुरु के उपदेश सुनने से जो व्यक्ति सावधान हो गया है, आत्मा का चिंतन कर रहा है, आत्मा की अनंत शक्तियों का अनुभव कर रहा है, वह उसे मुक्ति भी दे सकता है और भुक्ति भी दे सकता है। जैसे पांडव हैं, पांचों पांडव जब उन्होंने मुनि व्रत धारण कर लिया और योग धारण करके खड़े हुए थे, तो उस समय दुर्योधन का जो भांजा आया, उसने देखा, अरे ये वही धूर्त हैं जिन्होंने हमारे दुर्योधन का वंश का पूरा नाश कर दिया। ऐसे देश भाव से उन्होंने पूरे पांचों पांडवों को क्या पहना दिए, जलते हुए कड़े पहना, लोहे के कड़े पहना दिए, उनका शरीर धक 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 जलने लगा। तो कहते हैं वो तीन तो आत्मा के चिंतन, आत्मा के ध्यान में, शुक्ल ध्यान में लीन थे, लेकिन दो को विकल्प हो गया कि अरे हम तो जवान हैं, तो हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन इन भाइयों का क्या होगा? तो वह दो कहाँ पहुंच गए, स्वर्ग में। और जो चरम शरीर ही नहीं है, महाव्रतों को धारण करे हैं, 10 धर्मों का पालन कर रहे हैं, 12 व्रतों, 12 अनशन आदि 12 तपों का तप रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, वे भले चरम शरीर ही नहीं है, लेकिन परिणामों की निर्मलता के द्वारा, आत्मा की विशुद्धि से वे इतना पुण्य बंद कर लेते हैं कि वे स्वर्ग पहुंच जाते हैं। और स्वर्ग पहुंच जाते, वहां से आकर परंपरा से मोक्ष पहुंच जाते। तो कहते दो क्रिया दूरवर्तिनी, कहते हैं कि एक ही भाव जो कहते हैं कि दो कोस तक अपने शरीर, जो अपने भार को ढो सकता है, वह क्या आधा कोस जाने में कहते हैं वो सहज ही चला जाएगा? जैसे किसान होता है तो किसान गेहूं बोता है, गेहूं के लिए गेहूं बोता है, भूसा के लिए तो नहीं बोता है। ऐसे ही वो आत्मचिंतन आत्मध्यान किसके लिए करते हैं? कहते अपनी आत्मा के लिए, मोक्ष के लिए। लेकिन जो उन्हें मोक्ष नहीं पहुंच पाते हैं, तो वे स्वर्ग सहज ही पहुंच जाते हैं। कहते ना कि बस दृष्टि बदलने की बात है, परिणाम बदलने या इधर उधर करने की बात नहीं है। कहते ना नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल जाते हैं, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल जाते हैं, किश्तियों ने बदला रुख तो किनारे भी बदल जाते हैं, किश्तियों ने बदला रुख तो किनारे भी बदल जाते हैं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी दौरान परमादरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया।
परम पूजनीय गणनीय आर्का विद्याश्री माता जी की हम समाधि की चर्चा कर रही थी, उनके जीवन में क्या क्या घटना हुई है। सर्वज्ञ प्रणीत ही घटना, उनका व्याख्यान तो पूर्ण रूप से सर्वज्ञ ही कर सकते हैं। इस कलिकाल पंचम में एक अनोखे पुण्य को लेकर जन्मी और एक जो दीपक था अब वो शूर बनने की तैयारी में है। महानुभाव, हमारी मां ऐसी बासल की मूर्ति थी कि आज का दिन सुबह सुबह कमल होटल वाले कमल जी, बहुत तबीयत खराब थी, उनको वेंटिलेटर में रख दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि जैसे ही ऑक्सीजन निकलेगी मुश्किल से आध पौन घंटा 5-10 मिनट जिएंगे। बच्चों ने मां से पूछा, माता जी क्या करें, मां ने कहा यहां ले आओ। यहां आ गए, आहार चल रहा था, मैं देखने आया, ऑक्सीजन लगी थी। माता जी ने कहा नहीं, इनकी अच्छी समाधि करें। उनके माता जी, उनको तो ऑक्सीजन लगी है, उनका क्या समाधि होगी। मां बोली अब तुम चिंता ना करो, देखो सब कुछ अच्छा होगा। मां ने आहार किया और उनके पास पहुंची। क्या चमत्कार था, वह चमत्कार जो व्यक्ति बेहोश था, होश नहीं था, जिसके प्राण निकलने वाले थे, वो मां ने उसके मस्तक पर जो हाथ रखा और नौवा नवोकार मंत्र पढ़ा होगा, उसने आंख खोल दी। ओ इतनी थी बड़ी आंखें खोल दी, माता जी बंदामी, ओ सबको पहचान, जिसकी सुधबुद्ध थी नहीं उसको होश आ गया। मां ने और नवोकार मंत्र सुनाया, लगातार मंत्र सुनाने से एकदम स्वस्थ हो गया। और परिस्थिति यह हो गई कि वो ऑक्सीजन लगे ही उठ के बैठ गए। जब बैठ गए सबसे बोले हमारी ऑक्सीजन निकालो। अब सब लोग वहां पर, कुछ विद्वान भी थे, कुछ ज्ञानी जन भी थे, उनके नहीं ऑक्सीजन निकाली तो ये तो काम खत्म। हमने माता जी से चर्चा की, माता जी ने बेटा निकाल दो ऑक्सीजन, कुछ नहीं होने का। बड़ा चिंतवन किया और चिंतवन के बाद वो अपने हाथ से ऑक्सीजन खींच रहे थे, माता जी ने ऑक्सीजन निकलवा दी। क्या बात थी साहब, एकदम चेतनता, बोले हमें दीक्षा दो माता जी, अपने मन से बोले, किसी के कहने से नहीं। माता जी ने चिंतवन किया और उनको क्षुल्लक दीक्षा दी गई। क्षुल्लक कमल सागर से, कमल होटल वाले ले से क्षुल्लक कमल सागर बना दिया। मैं भगवान सिर पर रख के आकर उनको दर्शन कराया, उनने बड़े भक्ति भाव से दर्शन किया और जैसे उनके हाथ में पिची आई, ओह क्या ताकत थी। जो व्यक्ति जाने वाला था बिना ऑक्सीजन के उठ के बैठ गया और सबको बुला बुला के आशीर्वाद दे रहा है, इधर आओ, सबको आशीर्वाद दिया। ये होती है पुण्य का महिमा, पुण्य का चमत्कार। और मां विद्याश्री के हाथ में ऐसा जादू था, इस कली काल में शायद किसी के पास में नहीं होगा। जो मृत व्यक्ति जी उठा और जो पतित दास को पावन बना दिया, जो श्रावक के व्रत नहीं थे जिसके, उसको साधु बना के खड़ा कर दिया, उसको उत्तम श्रावक का व्रत दे करके उसकी आत्मा को पावन कर दिया। ऐसी थी हमारी मां विद्याश्री। और उन चुल्लक कमल सागर का भी कहना पड़ेगा, क्या आत्मबल था। मैं जाने लगा, बोले कहां जा रहे हैं, मैंने तुम कहां जलोगे ये देखने जा रहे हैं, बड़ी कस के मुस्कुराए। मृत्यु से डर नहीं था, जो मृत्यु से डर गया
वो मर गया और जो मृत्यु से नहीं डरा वो अमर हो गया। यह मृत्यु का खेल है महानुभाव। ऐसी समाधि चलता रहा शाम के जो एक घंटे में मृत, डॉक्टर जैसे कहते हैं ऑक्सीजन निकलने के बाद एक घंटे मृत हो गए, वो शाम तक चलते रहे और शाम के जाके उनकी सांसें ढीली पड़ी। तब माँ से बोले, माँ हमें घबराहट हो रही है। माँ ने कहा, बस अब आप आनंद से नमोकार मंत्र का आराधना करो। और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते छुल्लक कमल सागर जी का शरीर समाधिस्त होकर के अपनी आत्मा को उन्होंने पावन बना लिया। जो ऐसी समाधि करता है वो निश्चित से तीन या सात भाव में शिवपुर का वासी बन जाता है। ऐसी महिमामान, ऐसी उच्च ज्ञानी ध्यानी हमारी माँ, जिनको निमित्त था वो जान लेती थी, जिनको देवों द्वारा अवधि ज्ञान प्राप्त था देवों ने बता देते थे इतनी साधना के बाद किसकी आयु इतनी बची है। ऐसी माँ विद्याश्री के चरणों में सत्सत प्रणाम बंदामी और छल्लक कमल सागर को इच्छामी करते हुए आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलो गणियार का विद्याश्री माता जी की जय। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।